कुरान के जरिए भी सब कुछ देख लिया है। क्यों? मेरा दावा यह है कि कुरान के अंदर आज के इस जलसे का जिक्र भी मौजूद है। यह मेरा दावा है, क्योंकि मैंने नबी पाक का कलिमा पढ़ा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये मुझ पर अल्लाह का कलाम उतरा है, और जो कलाम उतरा है उसके बारे में क्या है, ज़ालिकल किताबो ला रईब फी, मैं अपनी अकल पर जोर नहीं देता, नबी के फरमान पर जोर देता हूं। अब इस कुरान ने अपनी शान बयान की है, अपनी। कुरान कहता ला रब वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन। जरा ऊंचा कह दो, दब के कह दो। अल्लाह फरमाता ये जो कुरान ला रब वला याबिस इल्ला फी किताब हर तर चीज भी किताब मुबीन के अंदर, हर खुश्क चीज भी किताब मुबीन के अंदर। क्या क्या चीज? हर तर चीज और हर खुश्क चीज। और तारे के खुश्क एदा जिक्र भी किताब मुबीन च। ऐस गलास के अंदर जड़ी शह हिल रही है, एक ही है, एदा जिक्र भी, एदा जिक्र भी किताब मुबीन के अंदर। वैसे एक इतबार नाल वेखो, आड़ा टब्बर मेरे सामने बैठा है ना, अक्सर ये सारे तर ने नबी पाक की मोहब्बत नाल, इन्हों का जिक्र भी कुरान च। कई खुश्क ने खुश्की दे मारे, इन्हों का जिक्र भी कुरान च। अल्लाह फरमाता वला रब्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। एक मुनाजरे में मेरे सामने एक मौलवी साहब कहने लगे, हां हर तर चीज और हर खुश्क चीज किताबे मुबीन में तो है, लेकिन किताबे मुबीन से मुराद कुरान थोड़ी है। किताबे मुबीन से मुराद है लौहे महफूज। लौहे महफूज के अंदर हर तर चीज हर खुश्क चीज का जिक्र मौजूद है। किसके अंदर? लौहे महफूज के अंदर। मैंने कहा मैं लौहे महफूज की शान का मुनकर थोड़ी हूं, लेकिन मुझे यह बता कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर कौन सी है, सबसे आला सबसे शान वाली तफसीर कुरान की कौन सी है? खुद कुरान, अल कुरानो युफस्सिरु बादुहु बादा, कुरान अपने बाद हिस्से की तफसीर खुद बयान फरमाता है। और कुरान से पूछे, कुरान ये फरमा किताबे मुबीन तो किसको कहता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। अल्लाह का कुरान सुनो तो मोहब्बत से कह दो भावे जरा मेरे नाल मुत्तफिक नहीं, कुरान नाल मुत्तफिक वो भी कह दे, दे। उची सारी कह दो। शान बयान हो रही, अल्लाह फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। आ गया, बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। ये हमारे पास जो किताब मुबीन रोशन किताब आई है, ये कौन सी चीज आई है? कुरान आया कि लौहे महफूज आया है? हमारे पास क्या चीज आई है?
पता चला कुरान किताब मुबीन किसको कहता है? उचिया को, कुरान को। किसको? कुरान। अब फिर वो आयते करीमा फिर पढ़ो, वला रब्बिल वला याबिसिन इल्ला फी किताबिल मुबीन। हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर एक आयत। अब दूसरी, अल्लाह फरमाता मा फर्रकना फिल किताब मिन शय। और रुचि कह दियो, ये जो है ना किताब, अल किताब, कोई चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र हमने इसमें ना, हर चीज हमने किताब के अंदर रख दी है। मा फर्रकना, नहीं छोड़ा हमने, फिल किताब मिन शहीद, किसी चीज का तज़किरा भी किसी चीज को किताब में रखे बगैर नहीं छोड़ा। और अल किताब क्या है? मैं वो मौली साहब फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अल किताब जिते हर शह है, पर अल किताब तो मुराद कुरान ते नहीं ना, अल किताब तो मुराद लोहे महफूज है। मैंने कहा यार मैं लोहे महफूज का मुनकिर तो नहीं, पर कुरान से पूछो ना, कुरान अल किताब किसे कहता है? अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब। शक नहीं, यानी कुरान के अंदर शक कोई नहीं, पता चला कुरान अल किताब कुरान को कहे। अब तर्जमा करो, मा फर्रकना फिल किताब मिन शय, इस कुरान के अंदर हमने ऐसी चीज है एक कोई नहीं जिसका तज़किरा कुरान में न किया हो। मेरा दावा और मेरे सिर पे की है पग, पगड़ी, पगड़ी के नीचे क्या है? टोपी। टोपी का कलर ग्रीन, बुखारा शरीफ से आई और मेरे मुर्शिद ने मुझे दी और कहा टोपी रख कर ऊपर पगड़ी बांध कर फिर तकरीर किया करो। टोपी सब्ज, इमामा स्याह। खुदा की कसम है इसका जिक्र भी कुरान के अंदर मौजूद है। मौली साहब फिर जिद करने लगा नहीं नहीं, फलाना मुफस्सर, फलाना मुफस्सर, फलाना मुफस्सर, फलाना मुफस्सर, मुफस्सरीन ने लिखा अल किताब से मुराद है लोहे महफूज। मैं कहते फलाना मुफस्सर थे, फलाना मुफस्सर उन्होंने लिखी अल किताब तो मुराद कुरान, तो लड़ाई तो पै गई मुफस्सरीन दी, तो आओ कुरान से ना फैसला करा ले। कहना क्या मतलब? मैंने कहा चल मैं तेरी बात मानता हूं कि अल किताब से मुराद है लोहे महफूज, में मानता हूं, मैं जिद नहीं करता, क्योंकि मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वसलाम ने मुनाजरे का तरीका बताया हुआ है। हाँ। कि किस तरह किसी को चुप कराया जाता है, मुझे तरीका बताया हुआ है इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम ने। चल तेरी बात मान ली कि अल किताब से मुराद लोहे महफूज, पर अब तीसरी आयत सुन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मा काना हाज़ल कुरआन। अब किसका जिक्र हो रहा है? ऊंचा बोलो और ऊंचा कह दो ना काना हाज़ल कुरआन अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीकल लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फीहि मिन रब। ये कुरान कोई घड़ंतु किताब नहीं,
ये किसी ने घर के खुद ब खुद पेश नहीं कर दिया, मा काना हादल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्ला, अल्लाह के अलावा किसी ने घर के पेश नहीं किया अल्लाह के मुकाबले पर, ये है क्या वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदई, ये तौरात की मुसद्दिक, ये इंजील की मुसद्दिक, ये ज़बूर की मुसद्दिक, सारी आसमानी किताबों की मुसद्दिक। आगे फरमाया व तफ़सील अल किताब।